एक समय की बात थी, एक गांव में एक गोलगप्पे वाली रहा करती थी। उसके गोलगप्पे पूरे गांव में मशहूर थे और उसके गोलगप्पों की गांव में चर्चा चला करती थी। यह गोलगप्पे वाली देखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर दिखा करती थी और वह उसकी सभी बातें करा करती थी और उसके गोलगप्पों की तारीफ करा करते थे। अरे अरे, उसके गोलगप्पे वाली के तो गोलगप्पे खाकर एकदम आनंद ही आ जाता है। क्या मेरे दोस्त आज चलें उसकी तरफ, उसके गोलगप्पे खाकर आते हैं। उसके गोलगप्पों में बहुत ज्यादा जान है, एक बार उसके गोलगप्पे खा लो तो ऐसा मन करता है खाते रहो। ठीक कह रहा है मेरे दोस्त, चल आज उसके गोलगप्पे खाकर ही आते हैं। जैसी उसकी सुंदरता है वैसे ही उसके गोलगप्पे हैं। चलो मेरे दोस्त, आज उस गोलगप्पे वाली की गोलगप्पे खाने ही चलते हैं। बहुत ज्यादा आनंद आएगा उसके गोलगप्पे खाकर। चलो चलो, जल्दी यहाँ से चलते हैं उसके गोलगप्पे खाने के लिए। हाँ हाँ, ज्यादा इतना भी खुश मत हो कि तू गोलगप्पे खा ही ना पाए, उससे पहले ही बीमार हो जाए। चला चलते हैं गोलगप्पे खाने। इतना ज्यादा खुश हो जाता है उसके पास जाने की, कभी भी बोलो हमेशा तैयार ही रहता है। कोई बात नहीं, आओ चलो सब मिलकर उसके गोलगप्पे खाकर आते हैं। इतनी सब बात कहते ही दोनों लड़के वहां से गोलगप्पे वाली की ओर निकल जाते हैं और कुछ ही देर बाद यह गोलगप्पे वाली उनको दिख जाती है। वहां जाकर दोनों रुक जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। अरे गोलगप्पे वाली, आज एक एक प्लेट लगा दो, हम बहुत दिनों के बाद आपसे गोलगप्पे खाने आए हैं। आपके गोलगप्पे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं हमको, इसीलिए हम तुम्हारी दुकान पर हमेशा आते जाते रहते हैं। लाइए एक प्लेट लगा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाइए मेरे गोलगप्पे और अपने आसपास के लोगों को भी बताइए कि मेरे गोलगप्पे कैसे मिलते हैं। वह खाने में बहुत ही ज्यादा चटपटे और टेस्टी, जो खाली गोलगप्पे को बार बार मांगने लगता है। इसकी बात सुनकर दोनों लड़के खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे अरे गोलगप्पे वाली, तुम्हारे साथ साथ तो तुम्हारी आवाज भी बहुत ज्यादा सुरीली है, तुम कितना अच्छा बोलती हो। चलो तो लगा दो एक जल्दी से पत्ता और खवा दो अपने गोलगप्पे हमको मिलकर। हम दोनों तुम्हारे गोलगप्पे इतनी दूर से खाने आए हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती। हाँ हाँ भाई जी, मुझे पता है आप दोनों काफी दूर से आते हैं मेरे गोलगप्पे खाने के लिए। चलिए तो मैं बनाती हूँ आपके लिए दो पत्ते। यह गोलगप्पे वाली फिर उन दोनों के लिए पत्ते लगा देती है और वो दोनों गोलगप्पे खाने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद वो उस गोलगप्पे वाली की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। तुम्हारे गोलगप्पे तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थे, तुम्हारे गोलगप्पे खाकर तो अलग ही आनंद आ रहा है हम दोनों को। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनाती हो तुम गोलगप्पे, इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे हैं कि जो भी खाएगा यह खाता ही रह जाएगा। और मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? हम दोनों एक साथ शादी कर लेंगे और फिर अपनी गोलगप्पे की ठेली लगाया करेंगे। बताओ क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? बोलो, कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे अरे, कैसी बातें कर रहा है मेरे दोस्त, भला तू इस गोलगप्पे वाली से शादी करेगा? अरे नहीं नहीं, हमारी इतनी भी ज्यादा नीची नहीं हो गई कि हम एक गोलगप्पे वाली लड़की से शादी करेंगे। मत कर भाई ऐसा, क्यों कर रहा है? वह एक गोलगप्पे वाली से तू शादी करेगा तो हमारे गांव की जो इमेज है वो कितनी गिर जाएगी। मत कर भाई इससे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप, और मैं आपसे भला शादी क्यों करूंगी? वैसे भी आप इतनी दूर से आए हैं और ऐसी बात और कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? और ये मेरी इंसल्ट भी कर रहे हो आप। अरे अरे, तुम इतनी ज्यादा घबरा क्यों रही हो? अरे भाई ऐसे मत बोलो यार, वह किसी की इंसल्ट करना अच्छी बात नहीं है। हम दोनों एक साथ शादी करेंगे, इसको तो जाने दो, ये ऐसे ही बोलता रहता है। हम दोनों एक साथ ही शादी करेंगे, ठीक है ना? चलिए तो ठीक है, मैं आपको शाम को बता दूंगी, आप जंगल के पास वाली हवेली के पास मिलना। इतनी सब बात कहते ही यह दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं और शाम होते ही
यह जंगल के पीछे वाली हवेली की ओर चले जाते हैं और चलते चलते यह वहां जगह पहुंच जाते हैं और वहां जाकर दोनों दोस्त रुककर बोलते हैं, अरे अरे मेरे दोस्त, इस जगह हम क्यों आए हैं? ये जगह तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वह ये कब्रिस्तान है और हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे? वो गोलगप्पे वाली क्या यहाँ पर रहती है? ये तो कब्रिस्तान है और इस जगह भला कोई नहीं रह सकता, ये तो मुर्दों की जगह है। अरे अरे ऐसी बात मत कर मेरे दोस्त, वो यहीं पर रहती होगी कहीं आसपास और वो आती ही होगी। उसका अभी थोड़ा इंतजार कर, फिर हम दोनों की शादी होगी, कितने ज्यादा मजे आएंगे ना। अरे तेरे मजे आने वाले हैं और मेरा पसीना बह रहा है, ये इतनी खतरनाक जगह पर बुला लाया है। उसकी इतनी सब बात कहते ही पीछे लड़की आ जाती है और वह लड़का खतरनाक कब्रिस्तान की बात सुनते ही थर थर कांपने लगता है। तभी उसका दोस्त बोलता है, अरे अरे अपने पीछे देख, वो गोलगप्पे वाली एकदम यहाँ पर कैसे आ गई? अभी तो वह यहाँ पर कोई भी नहीं था और एकदम ये गोलगप्पे वाली हमारे पीछे कैसे आ गई भाई? जरा देख तो सही मुड़कर, वह वो तेरे पीछे ही खड़ी है और मुझे तो लगता है ये कोई चुड़ैल तो नहीं, एकदम ये हमारे पीछे कैसे आ गई? वह ऐसे कोई इंसान कैसे आ सकता है? अरे अरे भाई वो अभी कहाँ से आ गई, वो एकदम पीछे कैसे आ सकती है? अभी रुक मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, ऐसे भला कोई पीछे कैसे आ जाएगा। इतनी सब बात कहते ही लड़का पीछे देखता है तो असलियत में लड़की उसके पीछे ही खड़ी होती है। लड़का ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है, अरे अरे तुम तो एकदम ऐसे आ गई हो जैसे कि कोई चुड़ैल हो, मैं तो तुमसे डर ही गया, पर तुम खड़ी हो यहाँ पर। ये मेरा दोस्त कब्रिस्तान कब्रिस्तान कर मुझे डरा रहा था। अरे मैं डरा नहीं रहा हूँ बुद्धू, ये असलियत में कब्रिस्तान है और ये कोई मामूली लड़की नहीं, ये मुझे चुड़ैल ही लग रही है। बोल चुड़ैल, तू चुड़ैल ही है ना? तू कोई मुझे मामूली लड़की नहीं लगती, तेरा चेहरा देखने में ही मुझे खतरनाक सा लगता है। अच्छा तो तुम दोनों को मेरी चालाकी पता चल गई, अब देखो मैं तुम दोनों को कैसे मारती हूँ। चुड़ैल यह अपना रूप बदल लेती है और एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है और यह गोलगप्पे वाली चुड़ैल फिर उससे बोलती है, अब मैं तुम दोनों को मिलकर मार डालूंगी और तुम्हारा खून पी जाऊंगी नालायको। अब देखो मैं तुम दोनों को कैसे मारती हूँ, मैंने तुम्हें अपने जाल में आखिरकार फंसा ही लिया, अब मैं तुम दोनों को मार डालूंगी और मेरी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाएंगी। इतनी सब बात कहती ही चुड़ैल उनके पीछे पीछे दौड़ती है और वह नारद मुनि आ जाते हैं। नारायण नारायण, ए चुड़ैल, वह तुम इन मासूमों को क्यों मार रही हो? मत मार इस मासूमों को, यह इनका क्या दोष है जो कि तू इन्हें मार रही है? मैं तुझे अभी बताता हूँ और तुझे सबक सिखाता हूँ, वह क्यों मार रही है इन मासूमों को। चुड़ैल जरा पीछे मुड़ के देख, कौन खड़ा है तेरे पीछे? तेरा काल तेरे सामने ही खड़ा है चुड़ैल। तभी चुड़ैल पीछे मुड़कर देखती है और बोलती है, अच्छा तो नारद मुनि तू इन दोनों को बचाएगा? तू नहीं बचा पाएगा इन दोनों को, मैं तुझे भी मार डालूंगी। अच्छा तो तुम नारायण के भक्त को मारोगी? अभी रुको मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ, पहले तो मैं तुम्हें नीचे बुलाता हूँ, नीचे आ जाओ और फिर देखो क्या तमाशा होता है इस जगह। तुम जैसे तड़प तड़प कर मरोगी ना, वैसे ही तुम्हें मजा आएगा। यह चुड़ैल ऊपर से नीचे की ओर आ जाती है और नारद मुनि बोलने लगते हैं, अब देख चुड़ैल मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। तभी वह नारद मुनि अपने मंत्रों को गाने लगते हैं और चुड़ैल बहुत ज्यादा तड़पने लगती है। अरे ये क्या कर रहा है? मैं जल रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, बस कर, अब मत कर। तभी वह चुड़ैल की उस जगह मृत्यु हो जाती है और वह लड़का बोलने लगता है, नारद मुनि आपने तो हमारी जान ही बचा ली,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा था उस चुड़ैल से। बच्चों, ऐसे वह कब्रिस्तान में नहीं आना चाहिए। वो तो सही समय पर मैं आ गया, नहीं तो ये चुड़ैल तुम दोनों को मार डालती और तुम्हारा खून पी जाती। नारद मुनि उन दोनों को बचा लेते हैं और यह चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है।